हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और एक सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, वेयर आर इज ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है। मतलब जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो आर है और छोटे सर्कल का रेडियस 7 है। बड़े सर्कल का रेडियस जो ओए है ये हो जाएगा आर, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये दिया हुआ है। बड़े सर्कल का ये कॉर्ड है ए बी, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है और इस कॉर्ड का लेंथ है 46 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू 46 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू 46, ओ सी इक्वल टू 7 एंड ओ ए इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को जोड़ देंगे। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेम वही है, बस यहाँ नंबर दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट सेम है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा हुआ है तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे ओ ए ओ सी को जोड़ देंगे तो ओ सी क्या हो जाएगा, वो ए बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AC एक टेंजेंट है और OC रेडियस है, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, OC AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और OC अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये 9th क्लास का थ्योरम है कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो देयरफॉर OC बाइसेक्ट AB हो जाएगा। वो सारा यहाँ लिखा हुआ नहीं, रीजन वो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप उसको फिर से अपने से देख के लिख लीजिए। तो जो AC है वो पूरे AB का हाफ हो जाएगा। तो AB दिया हुआ है 46, तो AC क्या हो जाएगा 23, AC का वैल्यू हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 23 हो गया, ये 7 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग AO को कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल AOC, AO स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AO स्क्वायर OC 7 का स्क्वायर और AC हो गया 23 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, ठीक है। AO स्क्वायर 49 प्लस 529 कितना हो गया 9 और 18 का 8, 1 4 1 5 6 7 और ये आ गया 5, ठीक है। तो AO स्क्वायर इक्वल टू 578, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ गया अंडर रूट 578। इसमें से क्या बाहर आएगा फैक्टराइज करके देखते हैं इसको, 578 को 2 से, AO इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 289। अब हमें ये नंबर जाना पहचाना मिल गया 289, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो AO इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 289, तो 289 में से तो 17 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2, तो ये आ गया AO इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो हमें AO का लेंथ पता चल गया। AO क्या था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है R। तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो ये R हो गया 17 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।